देखिए यहाँ पर कुछ नीलगाय बाग में खड़ी हुई हैं और इस समय शाम का वक्त हो चला है और ये अपने जो है छुपे हुए स्थानों से निकलकर बाग की ओर आ चुकी हैं। बाग में रहना इन्हें काफ़ी पसंद है और इस समय ये मेरी ओर देख रही हैं और डरी हुई हैं। शायद ये यहाँ से अगर ज़्यादा हलचल हुई तो ये यहाँ से भाग सकती हैं। देखिए इनका पूरा झुंड है यहाँ पर और कुछ को इस बात का आभास हो चला है कि कोई व्यक्ति है, कुछ हलचल है, कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ये थोड़ी असहज दिख रही हैं। और शायद अगर मैं ज़रा सा भी यहाँ से हिलता हूँ तो ये यहाँ से दौड़ लगा देंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। शायद इन्हें आभास हो चला है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और इनके नज़दीक पहुँचूँ लेकिन ये यहाँ से भाग भी सकती हैं। कुछ नीलगायें यहाँ पर अभी घास चरने में व्यस्त हैं लेकिन कुछ असहज हैं, डरी हुई हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये सब मेरी ओर देख रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनके नज़दीक पहुँचा जाए लेकिन ये डर कर भाग सकती हैं। देखिए और क्लियरिटी यहाँ से आ रही है, उतनी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। मैं काफ़ी दूर हूँ फिर भी ये डरी हुई हैं। देखिए चलिए इनके पास जितना नज़दीक हो सके मैं पहुंचने का प्रयास करता हूँ। इस समय शाम का वक्त हो चला है और ये जो अपने स्थानों पर छुपी हुई थी वहाँ से निकलकर अब मैदानों पे आ चुकी हैं, क्योंकि इस समय जो किसान हैं वो अपने घर चले जाते हैं और खेत जो खलिहान हैं वो अब सूने पड़ने लगते हैं। और